नियमित कर दिए हैं, वो तो बाजार में बेच देते हैं ना इनको झंडा लगा लगा करके, वो तो बाजार में बेच रहे हैं अम्बेडकर जी को और काशीराम जी को। हम तो उसको ट्रैक पर उतार रहे हैं, अगर नहीं उतार रहे तो बताइए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं GS4 News और मैं हूं मनीष। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले से बता दिया है कि मैं अभी हरिहरगंज हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में एक विशेष कार्यक्रम कर रहा हूं, इंटरव्यू सेशन, जिसमें कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में तथा अन्य क्षेत्रों में सुप्रसिद्ध लोगों का इंटरव्यू ले रहा हूं जो अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण है और समाज पर विशेष प्रभाव रखते हैं और समाज उनसे मार्गदर्शन लेता है। तो ऐसे लोगों का इंटरव्यू मैं लगातार कर रहा हूं। उसी की कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं दो बार के पूर्व विधायक माननीय संजय कुमार सिंह यादव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप अपना कीमती समय दिए हैं, क्योंकि इस तरीके के लोग, जिस हिसाब जो स्टेटस है आप लोगों का, समय का अभाव होता है तो बहुत मुश्किल होता है कि समय निकालना, इसलिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। इस क्षेत्र में आप किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी चूंकि जब आपका विधायक का कार्यकाल था उस समय के बाद बहुत सारे बच्चे अब युवा हो चुके हैं जो वोटर्स बन चुके हैं, तो मैं एक बार ये चाहूंगा कि अपने बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि नए यंगस्टर्स जो हैं वो आपके बारे में जान सके। सर देखिए, हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से यहाँ के जनता के आशीर्वाद से दो बार प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका अवसर मिला और ये दो टर्म के कार्यकाल में हमने हुसैनाबाद, हरियागंज, हैदरनगर, मोहम्मदगंज, पिपरा, ये पांच प्रखंडों के अंतर्गत विभिन्न सेक्टर में, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो या डेवलपमेंट हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, हमने समुचित जो अवसर मिला उसका लाभ लिया और विकास करने का काम किया। युवाओं के लिए भी अभी आप सब लोग जानते हैं कि झारखंड जो है खेल यूनिवर्सिटी है, खिलाड़ियों के सीधी नियुक्ति हो रही है, तो हम 10 साल पहले यहाँ स्टेडियम बनाने का काम किया, युवाओं के खेल के लिए ग्राउंड बनाने का काम किया, युवाओं को पढ़ने के लिए, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको पढ़ने के लिए हमने 156 विद्यालय का निर्माण कराया, जो आज न्यू प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक मध्य विद्यालय हो गया, और हमने करीब 8 उच्च विद्यालय का निर्माण कराया जो गरीब के क्षेत्र में, जैसे मोहडंड हो गया, आपका विश्रामपुर हो गया, कोठिला हो गया, एकदम रिमोट इलाका में जहाँ हमारे युवा लोग गलत दिशा में भटक के जा रहे थे। तो आज के दिन में शिक्षा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, नए पीढ़ी के जो युवा हैं वो जब तक शिक्षित नहीं होंगे अच्छे रास्ते पर नहीं जाएंगे, तो उनके लिए विद्यालय की जरूरत है, कॉलेज की जरूरत है, खेलकूद के लिए स्टेडियम की जरूरत है। हमने किसानों के लिए, सिंचाई की व्यवस्था के लिए हमने, चाहे काशी सोत बांध हो, सिघना में हमने 3000 फीट ऊपर पहाड़ पर डैम बनाने का काम किया, हरिहरगंज में 2-2, 3-3 डैम बनाने का काम किया, तो हमने विभिन्न सेक्टर में डेवलपमेंट का काम किया। ये नहीं सर, आपने अपने बारे में बताया कि अपने क्षेत्र में आपने जो काम काज अभी तक करवाया है, जहाँ तक आपके राजनीतिक कैरियर का मामला है, आप राष्ट्रीय जनता दल से हैं और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख रहे माननीय लालू प्रसाद यादव जी को बिहार में बिहार का अम्बेडकर कहा जाता है, बहुत सम्मान से लोग उनको बिहार का अम्बेडकर कहते हैं, और आपके कार्यकाल में भी जो खास करके तमाम जो महापुरुष हैं, चाहे बहुजन महापुरुष हों या फिर और भी महापुरुष, उन सबका जो है कि चित्र और उन सबका मूर्ति लगाने का काम आपने किया है, आपने कई सारे चाक चौराहों पर मूर्तियां लगाए हैं, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपके प्रेरणा स्रोत कौन है?
नहीं, हमारे प्रेरणा स्रोत तो राजनीति में लालू जी हैं ही हैं, जयप्रकाश जी हैं। क्योंकि हम लोग जब दूसरा तीसरा में पढ़ते थे, तीसरा क्लास में थे, तो जेपी मोमेंट था, तो उसमें हम लोग गाना गाते थे कि जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, चलो जवानों तिलक लगाने क्रांति द्वार पे आई है। हम लोग हाफ पैंट पहन के और गंजिए पहन करके, चंडो गंजी पहन करके हम लोग दौड़ जाते थे राजनीति। तो राजनीतिक प्रेरणा स्रोत तो हमारे लालू जी ही हैं। वैसे हम अम्बेडकर जी को मानते हैं, क्योंकि अम्बेडकर जी हमारे विचारधारा हैं, और भारत के जो खास करके दलित पिछड़ा अकलियत है या वंचित समाज के जो लोग हैं, तो आज अम्बेडकर जी का ही देन है कि हम लोग इस मुकाम तक पहुंचे हैं। ठीक है, हमारा राजनीतिक गुरु हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं, उन्होंने हमको टिकट दिया, चार बार हमको हुसैनाबाद विधानसभा जैसे जगह से हमको लड़ने का उन्होंने अवसर दिया। तो राजनीतिक गुरु तो हमारे वो है, लेकिन प्रेरणा स्रोत हम अम्बेडकर जी को ही मानते हैं, जयप्रकाश जी को मानते हैं। जैसे एक समय था, इसीलिए हमने चौक चौराहे पर जो हमारे वंचित समाज को, पिछड़ा समाज को जो आगे बढ़ाने का समाज में जो अगुवाई किया था, चाहे वह जगदेव बाबू हों, अम्बेडकर जी हों, या कर्पूरी ठाकुर जी हों, सभी लोग अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़े, बाबा वीर कुंवर सिंह को तो उनका भी हमने स्टैचू लगाया। प्रेरणा स्रोत हमारे अम्बेडकर जी हैं, हमने अम्बेडकर जी को लगाया। हम मोहम्मदगंज में जगदेव बाबू का मूर्ति लगाया, हमने पटेल जी की भी मूर्ति लगाई। तो ये हमारे आदर्श पुरुष हैं, ये हमारे जो समाज का नया जो पीढ़ी है। देखिए, स्टैचू इसलिए लगाया जाता है कि हमारा आने वाला जो वंशज है, हमारा आने वाला जो पीढ़ी है, वो याद करे कि हमारे सृष्टि के रचयिता, ये सृष्टि के हमारा मार्ग देने वाले हैं, जो नया जो सृष्टि आ रहा है, नई जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो बहुत कुछ तो जानता नहीं है कि जयप्रकाश जी कौन थे। अम्बेडकर जी हम लोग जयंती मनाते हैं, लेकिन अम्बेडकर जी के जयंती और सिद्धांत पर चलने के लिए तो भाई एक प्रेरणा स्रोत होना चाहिए ना, उसके अंदर में एक स्टेमिना होना चाहिए, लालसा होना चाहिए कि यही हमारे हैं, यही हम, यही इन्हीं के पद चिन्हों पर हमको चलना है। इसीलिए हमने महापुरुषों का मूर्ति लगाया। जैसा कि आपने बताया अभी, आपने अपने कार्यकाल का, अपने कामों का जिक्र किया, ऐसा प्रतीत होता है कि आपने सभी वर्गों को जोड़ने का और सभी के हित को ध्यान में रखते हुए काम किया है। लेकिन फिर भी सर, ऐसा क्या कारण रहा कि पिछले कुछ चुनावों से जनता आपको उस जगह पे नहीं पहुंचा रही? देखिए, जनता का मैंडेट तो मेरे साथ है, लेकिन सर चुनाव तो जीत नहीं पा रहे। नहीं, मैंडेट चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, उसमें हम रिकॉर्ड थे, हम बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ जो हमारे युवा पीढ़ी के लोग हैं वो भटक गए। अच्छा, और वो अपने अधिकार को समझ नहीं रहे, तो निश्चित रूप से प्रशिक्षण, राजनीतिक प्रशिक्षण की जरूरत है। और वो जब समझ जाएंगे तो फिर कोई समाज के, चाहे संजय यादव हो या मनीष जी हो या एक्स वाई जेड हो, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। और जनप्रतिनिधि का काम है ट्रैक बनाना। आज ये रोड बनी हुई है तो हम डेहरी सासाराम बनाने जा रहे हैं, जपला में भी स्टेशन है, रेलवे लाइन है, तब ट्रेन रुक रही है। तो जनप्रतिनिधि का काम ही है ट्रैक बनाना, रास्ता बनाना। समझ जाएंगे लोग तो जब समझेंगे तो अवसर देंगे। अब बहुत कुछ ऐसी बात है जो इसमें बोलने की जरूरत नहीं। राजनीतिक मजबूरियां होंगी, अलग बात है। जैसा कि आपने कहा कि युवा जो है कि अभी मार्ग से भटक गए हैं, चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ऐसा कोई प्रयास अभी आप कर रहे हैं जिससे युवा आपके साथ जुड़े, आरजेडी से जुड़े, या जो आप विचारधारा लेके चल रहे हैं उसके साथ? निश्चित रूप से बिहार और झारखंड के युवा आरजेडी से जुड़ रहे हैं, इसका जीता जाता प्रमाण बिहार में जो अभी चुनाव हुआ। एक नए तो नया जो पीढ़ी थे जब समझ गया कि मोदी के यहाँ
जो युवा पीढ़ी मोदी मोदी के नारा लगा रहे थे, वही युवा पीढ़ी तो मोदी को छक्का छोड़ा दिया आपको बिहार के चुनाव में। अब जबरदस्ती कल चपट की सरकार वहां बन गई, लेकिन एक 30 साल का लड़का अब पूरे भारत सरकार को हिला के रख दिया। एक हेलीकॉप्टर के अगेंस्ट में 30 हेलीकॉप्टर चल रहा था। भारत सरकार के सारे केंद्रीय मंत्री शिफ्ट कर गए, सारे सांसद शिफ्ट कर गए, लेकिन तेजस्वी जी तो अकेला प्रचार में थे। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी भी, उनको तो जेल में बंद करके रख दिया। तो युवा पीढ़ी जुड़ रहे हैं, तेजी से जुड़ रहे हैं, और युवा पीढ़ी अब समझ रहे हैं कि हम जहां मोदी मोदी के नारा लगा रहे थे वहां हमको अब धोखा ही धोखा। कल जब यूपीए गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट ने जब हैंडओवर किया एनडीए को, तो उस समय गैस का दाम था 425 रुपया। अभी गैस कैसे मिल रहा है? 800 समथिंग है, 900 रुपया हो गया। जब 50 रुपये, 55 रुपये, 45 रुपये डीजल था, तब ये महंगाई को लोग डाइल कहते थे। अभी एक उनका मंत्री है बिहार में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, उन्होंने कहा कि अगर यूपीए की गवर्नमेंट होती तो 200 रुपये किरासन, मैंने 200 रुपये डीजल बिकता। तब क्या कहिएगा, राजनीतिक सोच है। हम जब अच्छा काम कर रहे हैं तो बहुत खराब, और अपने कोई अपने गिरिवान में झांकते नहीं। आज गरीब कहाँ चला गया? जैसा कि स्थानीय जब विधायक का चुनाव होता है, विधानसभा का जब चुनाव होता है, तो स्थानीय चुनाव में जो चुनाव प्रचार होता है या जनसंपर्क अभियान होता है, उसमें आपके विपक्षियों के द्वारा आपको जो है कि एक पोखरा को लेकर के घेरने का कोशिश होता है, उस विवाद पे आप क्या कहिएगा? अभी पोखरा हमारा खुदाया हुआ तो नहीं है, लेकिन शायद हमारे बाप दादा से भी पहले का है। ये तालाब के बारे में किसी को कोई हिस्ट्री, हुसैनाबाद की कोई हिस्ट्री, जो मेरे साथ मेरे जो प्रतिद्वंदी हैं उनको हुसैनाबाद के इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। अगर हुसैनाबाद की इतिहास की जानकारी उनको होती तो शायद ये तालाब का नाम वो नहीं लेते। ये कोलभील लोगों का जमाना का है, मेरे समय का नहीं है। ये 1200 कुछ ईस्वी का है, ये तालाब बना हुआ है, इसका नाम गैता पोखरा है, और यहाँ स्टॉप था, यहाँ लोग रुकते थे। क्योंकि हुसैनाबाद का मुख्य मार्केट हुसैनाबाद बाजार नहीं था, आप लोग भी पत्रकार है, ये जानकारी आप लोगों को भी रखना चाहिए। हुसैनाबाद का मेन मार्केट आपको बाजारी बुधवा था, और मिडिल स्कूल वहीं था बाजारी बुधवा, समझ गए, और अकबरपुर का भी बाजार वहीं लगता था बाजारी बुधवा। तो जो लोग मार्केट करने जाते थे वो गैता पोखरा के पास ठहरते थे, और अंग्रेजों के जमाने में और कोलभीलों के जमाने में तालाबे और कुआं बनता था, दूसरा कुछ बनता कहाँ था, चाहे वो आदमी के नहाने के लिए हो या जानवर को पानी पीने के लिए हो। हमने सिर्फ उसको रेनोवेशन का काम किया है, और इसमें इससे हमारे गांव का सिंचाई होता है। 200 एकड़ जमीन की सिंचाई इस तालाब से होती है, हमारे हम नहीं, हमारे पूर्वजों के समय से होते आ रहा है, समझ गए। तो जिसको कोई इतिहास भूगोल नहीं है तो तालाब का नाम लेते हैं, तो उसके लेने से क्या हो जाएगा हमको? बलौ तो पुरंदर विद्या में हम नहीं बना दिए, बलौ का भी तो निर्माण हम ही कराए हैं, तो बलौ की चर्चा क्यों नहीं करते हैं कि संजय दादा ने बलौ का निर्माण करा दिया, उसकी स्थापना तो हमने यहां नहीं किया है, वो तो पहले ही से किया हुआ। अब हमारे गांव में रेलवे स्टेशन है, हमारा रेवेन्यू विलेज तो सैदाबाद है, टोला पुरंदर विद्या, तो रेलवे स्टेशन हम तो नहीं बना दिए, ब्लॉक तो हम नहीं बना दिए, यहाँ ला करके रख दिए। हुसैनाबाद जो थाना है वो सैदाबाद में है, हुसैनाबाद थाना को तो हम नहीं बना दिया। मेरे गांव में ही आपका अनुमंडल है, हम तो अनुमंडल नहीं बना दिए। अच्छा, जैसे आपने इतने सारे काम गिनाए, जैसे अपने 2 बार के राजनीतिक कार्यकाल में आपको क्या लगता है, आपने सबसे बढ़िया यादगार या ऐतिहासिक काम कौन सा किया, अगर आप ऐसे देखें? मैंने जितना काम किया सब ऐतिहासिक और यादगार काम किया है, चाहे वह सड़क हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, विद्यालय के मामले में हो, चाहे गर्ल हाई स्कूल हो या बक्सी हाई स्कूल हो या हार्वे हाई स्कूल हो या सीता उच्च विद्यालय हो या मोहम्मद रंजा विद्यालय हो,
हुसैनाबाद का प्रखंड का कार्यालय हो, हैदरनगर प्रखंड कार्यालय हो, मोहम्मदगंज प्रखंड का कार्यालय हो, चाहे आपका मोहम्मदगंज का भीम बराज का पुल हो जो आप गढ़वा जाते हैं, यहाँ हमने मतलब 1 किलोमीटर की दूरी पर चाहे बनकट हो, बली बिघा हो या सोनपुरवा हो, 1.5 किलोमीटर के अंदर में 3 पुल बनाने का काम किया, 700 किलोमीटर सड़क हमने बनाने का काम किया। हम लोग तो कि दलित पिछड़ा है, इसलिए आपका जो मीडिया है उसको हमारी आवाज को दबा देता नहीं, लेकिन मेरा ये प्रयास है कि जिसकी आवाज कोई नहीं सुनता है उसकी आवाज को मैं लाने की कोशिश करिए। आपसे मिलकर के हमको बहुत अच्छा लगा। आप देखेंगे कि हरियाणा के जंगल में भी मैंने जाके कवरेज किया है, जंगल में पहाड़, आप जहाँ भी जाइएगा पूछिएगा गांव वालों से कि ये सड़क किसने बनाया है, जो लोग बोलेगा संजय यादव ने बनाया है, जहाँ भी जाइएगा स्कूल पूछिएगा कि किसने बनाया है तो बोलेगा संजय यादव ने बनाया है, आप जाइएगा पूछिएगा कि आंगनबाड़ी केंद्र किसने बनाया तो बोलेगा संजय यादव बनाया है, पारा टीचर लोगों से बात पूछिए कि किसने आपको बहाल किया है, बताया कि हमको बुलाना बहाल किया, लेकिन यहाँ था का लेकिन पारा टीचर तो अभी आंदोलन पर है, वो तो चलते रहेगा, लोकतंत्र है अपने हर तरह अधिकार की लड़ाई, जब बाप बेटा बाप से हिस्सा मांगता है तो पारा टीचर तो भरी है। अच्छा, अभी जैसे हुसैनाबाद में लेकर के कई सारे अपराध हुए हैं और कुछ ऐसे भी हुए हैं जो शायद हुसैनाबाद में पहली बार घटित हो रही है, जैसे कि अभी एक लड़की का जो है कि गलत हरकत किया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो लाइन ऑर्डर का मामला है और यहाँ के पुलिस पदाधिकारियों के इन सब चीजों को देखना चाहिए, विधि व्यवस्था के मामले में, लाइन ऑर्डर के मामले में। अगर मैं आपसे पूछूं सर कि आपने राजनीतिक करियर में बहुत सारे संघर्ष किए होंगे और इस मुकाम पर पहुंचे, आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आज के जो नया पीढ़ी है उनको हम देना चाहते हैं कि आप शिक्षित होइए, जब तक शिक्षित नहीं होगी युवा पीढ़ी तब तक उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा। आप देखिए, अंधा दो तरह का होता है, एक अंधा है जिनको गॉड ने ही अंधा बना करके भेज दिया है और एक अंधा हुआ है जिसको आंख है और उसको दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, आप समझ गए। अभी मोदी जी क्या कर रहे हैं कि हमारे युवा पीढ़ी को उसको आंखें बंद कर दे रहे हैं। लेकिन सर, अगर सरकार इस तरीके से कर रही है तो विपक्ष, अभी जैसे केंद्र सरकार की बात करें तो एक तरह से अब विपक्ष में है, बिहार में भी विपक्ष में है, तो विपक्ष सड़कों पर उतर के इसके खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं? विपक्ष सड़क पर उतर रही है ना, अभी किसी कृषि के मामले में हम लोगों ने जिला में धरना प्रदर्शन किया या और किसी के मामले में हम लोग कर रहे हैं, हम लोग बेरोजगारी के मामले में कर रहे हैं। बेरोजगारी देखे कि हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो में मेन इश्यू था नौजवानों का रोजगार देना। आज झारखंड की जो सरकार है, कोलिशन की जो गवर्नमेंट है, महागठबंधन की जो सरकार है, देख रहे हैं कि आज खिलाड़ियों को जो वंचित थे लोग, कोई पूछता नहीं जा रहा, सीधी नियुक्ति हो रही है, नए जो युवा पीढ़ी के लोग हैं उनके लिए बहाली हो रही है, बहुत धीरे धीरे सिस्टम काम कर रहा है। जो सिस्टम 10 वर्षों के अंदर में बीजेपी ने जकड़ करके रख दिया, सिस्टम को कोलैप्स कर दिया था, उसको ट्रैक पर लाना है तो थोड़ा टाइम टेकिंग तो होगा। अच्छा, अभी जैसे जब आपने चर्चा की, जब हमने आपसे बातचीत का चर्चा शुरू किया तो आपने कहा था कि अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर हमारे आदर्श हैं, आपको लगता है कि आप उनके विचारों पर सरासर खरा उतर पा रहे हैं अपने आप में? आपको क्या लगता है सर, मेरा या जनता का जो विजन है वो? अगर मेरा विजन नहीं होता तो हम अंबेडकर जी की मूर्ति क्यों लगा देते? जैसे हम कब, ये सोच का चीज है। हाँ, जैसे मूर्ति लगाने की बात हुई तो मूर्ति तो प्रधानमंत्री जी की लगा रहे हैं, पुष्प अर्पण भी कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज जो है सर कि जो विचार है उस विचारधारा को अपने जीवन आचरण में उतारना, तो आपका रोज का जो दिनचर्या है वो तो मैं नहीं देखने आ रहा हूँ, तो इसलिए मैं पूछता हूँ कि क्या आपको लगता है? तो हमारे दिल में है ना, और कार्यकलाप में भी है। आप कार्यकलाप में देख लीजिए कि कहाँ हम किसकी अगुवाई करते हैं, किस वंचित समाज को छोड़ दिए। राजनीति में आप देख लीजिए, किसी दूसरे पार्टी में यहाँ मुखिया रविदास जाति का नहीं है, हमारे पार्टी के हमने रजवार को मुखिया बनाया, हमने रविदास को मुखिया बनाया, हमने पासवान को प्रमुख बनाया, हमने पासवान को चेयरमैन बनाया, तो हम तो 100% आपको चल रहे हैं आपको अम्बेडकर जी के सिद्धांत पर। अब जो अम्बेडकर जी के ये जो घूम चल रहा है तो नकली अम्बेडकर जी है, वो तो बाजार में बेच देते हैं ना इनको झंडा लगा लगा करके, वो तो बाजार में बेच रहे हैं अम्बेडकर जी को, काशीराम जी को।
हम तो उसको ट्रैक पर उतार रहे हैं, अगर नहीं उतार रहे तो बताइए। यहाँ जितना मुखिया है दलित है पिछड़ा है, हमने पासवान को मुखिया बनाया, हमने यहाँ पर मुखिया बना दिया, चेयरमैन बना दिया, वाइस चेयरमैन बना दिया। नहीं, लेकिन जब विचारधारा उतारने की बात होती है, जब आचरण में उतारने की बात होती है, तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं भी आ जाती है, तो उस पर मैं पूछ रहा था। 22 प्रतिज्ञा आ जाए तो हम तो जिस ट्रैक पर है उस ट्रैक पर काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी हाल फिलहाल में जो है कि नगर पंचायत नकली हम गीत गा रहे हैं तो हम आदर्श हो जाएंगे जी, गीत गाने से और कैंडल जलाने से। वो अपने इसको कार्य रूप में लाना होगा। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने जो अम्बेडकर जी का सिद्धांत था, जो अम्बेडकर जी के सिद्धांत था और किताब के पन्नों में बंद था, उसको लालू जी ने धरती पर उतारने का काम किया, उसको मान और सम्मान देने का काम किया। आज वही मान और सम्मान हम देने का काम करते हैं। हमारे जो राजनीतिक गुरु है लालू जी का, हमने रविदास को मुखिया बनाया, हमने पासवान को प्रमुख बनाया, हमने पासवान को चेयरमैन बनाया, हमने रजवार को मुखिया बनाया, हमने पासवान को प्रमुख बनाया। आप देख लीजिए हुसैनाबाद में सबसे ज्यादा हमारी पार्टी के लोग जैसे हुए हैं लालू जी और ये और उनकी बात कर रहे हैं, तो अगर मौका मिला तो उनसे भी साक्षात्कार होगा। फिलहाल अब ये कार्यक्रम समापन की ओर है, तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि आने वाला जो चुनाव है, जो नगर पंचायत का है और पंचायत चुनाव है, तो उसमें आप क्या रणनीति बनाएंगे? अभी रणनीति कहीं बताया जाता है टीवी में? रणनीति टीवी में बताया जाता है जी, क्या क्या बताएंगे हम? रणनीति खोल ही देंगे तो फिर राजनीति क्या होगा? अच्छा चलिए बोलिए। अच्छा, अगर मान के चलिए कि आज के युवा आपसे अगर सीधी तौर पे जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ेगा? मेरा दरवाजा खुला हुआ है, आप देख रहे हैं कि हम सार्वजनिक जगह पर खाते, आपके सामने खाना खाए, आपके सामने स्नान किए, इससे ज्यादा क्या चाहिए सार्वजनिक? चलिए हम दोनों ऐसी रूम में बैठ करके तो नहीं खाए, हम तो आपके आने के पहले से खा रहे थे, ऐसा नहीं है कि आपको दिखाने के लिए खा रहे थे। आपके सामने हमने आए, आपके सामने कपड़ा बदले, तो सार्वजनिक जीवन का जीवन होता किसा तो बता दीजिए। चलिए, बहुत बहुत आभार सर कि आपने अपना कीमती समय दिया। दर्शकों, इसी तरीके के आम जन के मुद्दों को देखने के लिए और जमीन से जुड़ी जो खबरें हैं जो समाज में प्रभाव रखते हैं, खास करके वैसे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, दबे कुचले लोगों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता है, उन लोगों के मुद्दों को देखने के लिए लगातार बने रहे जीएस पर न्यूज के साथ। और बहुत ही जल्द मिलेंगे आपसे एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जोहर।